दोस्तों, अगर मैं आप तमाम लोगों से ये सवाल करूं कि हमारी दुनिया की हिस्ट्री में अभी तक जमीन के सबसे बड़े हिस्से पर किसने राज किया, यानी अभी तक सबसे बड़ी सल्तनत, सबसे बड़े साम्राज्य किसने कायम किया, तो जरूर आपका जवाब होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर आजम, जिसे हम हिंदी की किताबों में विजय सम्राट सिकंदर के नाम से भी पढ़ते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि सिकंदर ने बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी, लेकिन ये कहना कि सिकंदर इस दुनिया की पूरी हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने वाला इंसान है, ये बिल्कुल झूठ है, बल्कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि इस्लाम के इतिहास में एक ऐसा महान योद्धा मौजूद है जिसने सिकंदर से भी ज्यादा इस जमीन के हिस्से पर राज किया था, यानी सिकंदर से भी बड़ी सल्तनत कायम की थी, यानी सिकंदर से भी बड़ा साम्राज्य कायम किया था। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस्लामिक इतिहास के इस महान योद्धा ने अपने दौर में ऐसी ऐसी पॉलिसीज और ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए थे जो आज तक हमारे इस पूरी दुनिया में जितने भी देश है सभी में लागू है। यहाँ तक कि आज के दौर में जो कुछ ऐसे देश है जो घमंड में अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो भी इस योद्धा के बनाए हुए सिस्टम के मोहताज है, यानी उन्होंने भी अपने देश में वो सारे सिस्टम लागू कर रखे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हजरत उमर बिन खत्ताब कौन थे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर उमर बिन खत्ताब सिकंदर से भी बड़े हुक्मरान यानी शासक कैसे थे, और साथ में इस वीडियो में हम आपको उन सारे सिस्टम और उन सारी पॉलिसीज के बारे में भी बताएंगे जो हजरत उमर ने ही इस दुनिया में शुरू की थी और आज तक चली आ रही है। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, ताकि इसी तरह की इस्लामिक नॉलेज और हिस्टोरिकल वीडियो का सिलसिला हम जारी रखे। दोस्तों, हजरत उमर की पैदाइश तकरीबन 583 ईस्वी में मक्का शहर में हुई थी, जो आज सऊदी अरब देश में मौजूद है। हजरत उमर इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 13 साल छोटे थे। साथ ही आपको बताते चले कि हजरत उमर की पैदाइश मक्का के सबसे मशहूर खानदान में हुई थी। इस खानदान को कुरैश खानदान के नाम से जाना जाता था। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ये वही खानदान था कि जिस खानदान में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदा हुए थे। हजरत उमर के वालिद यानी उनके फादर ने बचपन में ही उन्हें ऊंट चराने का काम सौंप दिया था, यानी वो बचपन में ही ऊंट चराया करते थे। हजरत उमर ने जवान होते होते लिखना पढ़ना अच्छी तरह से सीख लिया था। घुड़सवारी में आप इतने माहिर थे कि आप दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर कूदकर बैठ जाया करते थे। इन तमाम चीजों के साथ साथ आपने कुश्ती का फन भी सीखा था। आप इतने जबरदस्त पहलवान थे कि आपने मुसलमान होने से पहले भी और मुसलमान होने के बाद भी मक्का के बड़े बड़े नामचीन पहलवानों को जबरदस्त शिकस्त दी थी। आपके सामने बड़े से बड़े पहलवान भी आने से डरा करते थे। दोस्तों, क्योंकि वजह ये थी कि हजरत उमर के जो फादर थे यानी खत्ताब, वो अपने खानदान के सरदार हुआ करते थे, यानी पूरा खानदान उन्हीं के कंट्रोल में हुआ करता था। हर बात पर उन्हीं का ऑर्डर माना जाता था। इसीलिए जब हजरत उमर के वालिद यानी खत्ताब की वफात हुई, तो उसके बाद हजरत उमर को उनकी जगह मिल गई थी, और हजरत उमर को भी उनके खानदान में लोग उतनी ही अहमियत दिया करते थे जितनी किसी दौर में उनके वालिद को दी जाती थी। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का के जितने भी लोग थे यानी जितने भी उनके सहाबी थे, उन तमाम में अगर सबसे ज्यादा कोई सख्त मिजाज यानी गर्म मिजाज का इंसान
इंसान था तो वो हजरत उमर थे। हजरत उमर बहुत जल्द ही गुस्से में आ जाया करते थे। उनके गर्म मिजाज और बड़ी पोजीशन की वजह से मक्का के बड़े बड़े लोग हजरत उमर से घबराया करते थे। बड़े से बड़े ताकतवर लोग और बड़े से बड़े होशियार लोग उनके सामने नहीं आया करते थे। दोस्तों, जब इस्लाम के आखिरी पैगम्बर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ने मक्का के लोगों के सामने ये ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मक्का के ज्यादातर लोगों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और उन्हें झुठला दिया। और फिर धीरे धीरे इस्लाम के आखिरी पैगंबर को परेशान करना और उनको सताना भी शुरू कर दिया था। और जिस वक्त मक्का के लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम को सताना और परेशान करना शुरू किया था, उस वक्त हजरत उमर की एज तकरीबन 26-27 साल थी। दोस्तों, हिस्ट्री से हमें यह मालूम चलता है कि वैसे तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम की पूरा मक्का ही खिलाफ था, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ऐसे थे जो उनमें सबसे आगे रहा करते थे, जो कभी भी कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने से नहीं चुकते थे। हमेशा मौका ढूंढा करते थे कि किस तरह से जो चंद लोग मुसलमान हो चुके हैं उन्हें घेर घेर कर उनके ऊपर जुल्म करे या फिर उनको जलील करे, ताकि वो दोबारा हमारे बाप दादा के मजहब पर लौट आए। मुसलमानों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले लोगों की लिस्ट में हजरत उमर का नाम भी शामिल था, यानी हजरत उमर भी इस्लाम के शुरू में सबसे बड़े दुश्मन थे। दोस्तों, एक बार मक्का के तमाम बड़े लोग बैठकर ये मशवरा कर रहे थे कि क्यों ना हम मोहम्मद को ही कत्ल कर दे। जाहिर है कि जब मोहम्मद ही नहीं रहेगा तो हमारी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएगी। अब सवाल ये हुआ कि आखिर हम में से मोहम्मद को कत्ल कौन करेगा। हजरत उमर, जो उस वक्त जवान थे, फौरन खड़े हो गए और गुस्से में कहा, उस मोहम्मद को मैं कत्ल करूंगा। हजरत उमर ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को दौड़ाते हुए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। रास्ते में ही हजरत उमर की मक्का के एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जो अंदरूनी तौर पर तो मुसलमान हो गया था, लेकिन उसने मक्का के लोगों की डर की वजह से अपनी मुस्लिम पहचान को छुपा रखा था, लिहाजा लोग उसे भी अभी तक गैर मुस्लिम ही समझ रहे थे। उस इंसान ने जब हजरत उमर को गुस्से में जाते हुए देखा तो हजरत उमर ने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? तो हजरत उमर से पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? हजरत उमर ने जवाब दिया कि आज मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को खत्म ही कर दूंगा, न मोहम्मद रहेगा और न ही हमारे सर पर कोई परेशानी रहेगी। उस इंसान ने जब ये सुना तो हजरत उमर से कहा कि ए उमर, तो मोहम्मद को बाद में देख लेना, पहले खुद अपने घर की खबर लो। उमर ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? उस इंसान ने हजरत उमर को बताया कि तुम्हारी सगी बहन और बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हजरत उमर का गुस्सा और ज्यादा तेज हो गया और उन्होंने अपने घोड़े का रुख हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के घर के बजाय अपनी बहन के घर की तरफ को फेर दिया और मन ही मन में सोचने लगे कि चाहे मेरा सगा बाप भी क्यों ना हो, जो मेरे बाप दादा के मजहब से हटेगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। अपनी बहन और बहनोई की कत्ल के इरादे से जब वो अपने बहन के घर पर दाखिल हुआ तो उन्हें घर से कुरान करीम पढ़ने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जैसे ही हजरत उमर की बहन ने हजरत उमर को देखा तो डर की वजह से कुरान करीम पढ़ना बंद कर दिया। हजरत उमर ने अपनी बहन और बहनोई को मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक इतना ज्यादा मारा कि वो दोनों अच्छे खासे जख्मी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बहन ने हजरत उमर से कहा कि आप हमें कत्ल ही क्यों ना कर दे, हम अपने मजहब से नहीं फिरेंगे। अपनी बहन के इस जबरदस्त दावे से हजरत उमर के दिल में एक अलग सी कैफियत पैदा हुई। हजरत उमर ने कहा कि अच्छा, मुझे वो दिखाओ जो तुम लोग अभी पढ़ रहे थे। हजरत उमर की बहन ने हजरत उमर को कुरान करीम की कुछ आयतें पढ़ने को दी। हजरत उमर ने कुरान करीम की सूरह तौबा को जैसे ही पढ़ना शुरू किया, आपका दिल धीरे धीरे बदलता चला गया। वो दिल जिसमें थोड़ी ही देर पहले इस्लाम के खिलाफ आग के शोले भड़क रहे थे, वो सारे शोले अब ठंडे पड़ चुके थे। हजरत उमर फौरन अपनी बहन के घर से निकल
निकले और इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही प्यारे नबी के आसपास में बैठे हुए लोगों ने हजरत उमर को आते हुए देखा, सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। हजरत उमर ने दूर से ही कहा कि अपनी तलवारें अंदर रख लो, मैं किसी भी गलत इरादे के साथ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हाथ पर इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ये सुनते ही तमाम लोग बहुत खुश हो गए, और होते भी क्यों ना, क्योंकि हजरत उमर की शक्ल में इस्लाम की छोटी सी जमात में एक इंसान दाखिल हो रहा था जिससे पूरा मक्का डरा करता था। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने की वजह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी में ऐसा जोश तारी हुआ कि आपने जोश में तकबीर का नारा बुलंद किया, जिस नारे का जवाब पास में ही बैठे तमाम सहाबा ने अल्लाहु अकबर कह कर दिया। और ये इस्लामिक हिस्ट्री का पहला नारा था, यानी जिस नारे को आज हम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नाम से जानते हैं, ये वहीं से शुरू हुआ था, यानी जब से हजरत उमर इस्लाम में दाखिल हुए थे। दोस्तों, हजरत उमर इस्लाम लाने वाले 40वें इंसान थे, यानी उनसे पहले मक्का के 39 लोग मुसलमान हो चुके थे। हजरत उमर से पहले मक्का में जो मुट्ठी भर मुसलमान थे वो अपनी पहचान छुपा कर रहा करते थे और अल्लाह की इबादत भी छुप छुप कर अपने घरों में ही किया करते थे। लेकिन जिस दिन से हजरत उमर मुसलमान हुए, उस दिन से तमाम मुसलमानों ने खुल्लम खुल्ला इबादत करना शुरू कर दी थी। दोस्तों, जिस दिन हजरत उमर ईमान लाए थे, उस दिन मक्का के तमाम मुशरिकों ने कहा था कि आज मुट्ठी भर मुसलमानों ने हमसे बदला ले लिया। मक्का में एक कहावत मशहूर थी कि जिस रास्ते से हजरत उमर गुजर जाते हैं, उस रास्ते से शैतान कभी नहीं गुजरता। हजरत उमर के कारनामों को देखते हुए इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फारूक का नाम दिया था, जिसका मतलब होता है फक्र करने वाला, क्योंकि हजरत उमर फारूक और ईमान में फक्र करने वाले इंसान थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के बारे में ये भी कहा था कि अगर मेरे बाद इस दुनिया में कोई नबी होता तो वो उमर होता। इन तमाम बातों से हमें ये पता चलता है कि इस्लाम में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मकाम है। दोस्तों, जब प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में हमारी इस दुनिया को जाहिरी तौर पर अलविदा कहा, यानी इस दुनिया से रुखसत हुए, तो उस वक्त तक पूरे अरब में इस्लाम फैल चुका था। लिहाजा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद इतनी बड़ी मुस्लिम कौम को जरूरत थी कि एक लीडर की यानी खलीफा की, तो लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना खलीफा बना लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी खलीफा बनने के सिर्फ 1.5-2 साल बाद ही इस दुनिया से जाहिरी रुखसत हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद लोगों ने आपस में सुलह मशवरा करके हजरत उमर को अपना खलीफा बना लिया। दोस्तों, हजरत उमर ने तकरीबन 10.5 से 11 साल खिलाफत की थी, और इतने कम वक्त में ही हजरत उमर ने अपनी होशियारी की वजह से इतनी बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी, जो अपने दौर में जमीनी एतबार से यानी क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ी थी ही, साथ में ही इतनी ताकतवर भी थी कि वो उस दौर के सुपर पावर बन गए थे। हजरत उमर की सेना अपने घोड़ों का मुंह जिस इलाके की तरफ मोड़ दिया करते थे, वो इलाका मुसलमानों की सल्तनत में खुद ब खुद शामिल हो जाया करता था। इस्लामिक हिस्ट्री में हजरत उमर ही वो अकेले इंसान है जिनके दौर में मुस्लिम इलाकों का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है, यानी मुस्लिम सल्तनत सबसे ज्यादा बड़े हिस्से पर फैलती चली गई थी। हजरत उमर की सेना ने अपने दौर में दुनिया के उन इलाकों को फतह करके दिखा दिया था कि जिन इलाकों के बारे में पूरी दुनिया ये सोचा करती थी कि इनको फतह करना तो बिल्कुल नामुमकिन है, इराक, ईरान और रोम जैसी ताकतवर सल्तनत है जो अपने ऊपर घमंड किया करती थी, वो हजरत उमर की सेना के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। दोस्तों, फिलिस्तीन में मौजूद बैतुल मुकद्दस यानी जिस पर आज
बाद भी तीनों धर्म के लोग यानी मुस्लिम, ईसाई और यहूदी अपना अपना दावा करते हैं। वो भी मुसलमानों में सबसे पहले हजरत उमर ने ही फतह की थी। हालांकि फिर सदियां गुजर जाने के बाद वो एक बार फिर से मुसलमानों के हाथ से चला गया था, जिसे बाद में सलाउद्दीन अयूबी ने फिर से फतह किया था। हजरत उमर के दौर में बैतुल मुकद्दस के फतह होने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब मुसलमानों की फौज ने आसपास के तमाम इलाकों को फतह करने के बाद फिलिस्तीन का भी चारों तरफ से घिराव कर लिया था और वहां रहने वाले लोगों के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, तो उन लोगों ने मुसलमानों के सामने एक शर्त रखी। वहां के लोगों ने मुसलमानों से कहा कि हम बिना जंग किए अमन के साथ ये बैतुल मुकद्दस तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन शर्त ये है कि सुलहनामा तुम्हारे खुद के अमीर यानी जो तुम्हारे खलीफा है हजरत उमर वो आकर खुद लिखे। अगर वो खुद बैतुल मुकद्दस में आकर सुलहनामा लिख देंगे तो हम लोग आसानी के साथ और अमन के साथ ये बैतुल मुकद्दस तुम्हारे हवाले कर देंगे। तो मुसलमानों के सिपा सालार ने फौरन हजरत उमर की तरफ एक खत रवाना किया, जिस खत में हजरत उमर को रखी गई शर्त के बारे में बताया गया। हजरत उमर ने जैसे ही ये खत पढ़ा फौरन ये शर्त मान गए और आपने फौरन बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना होने का इरादा किया। मदीना में आपने अपनी जगह हजरत अली को खलीफा बनाया और खिलाफत का सारा काम उन्हीं के सुपर्द कर दिया और खुद एक ऊंट और एक गुलाम के साथ फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए, क्योंकि मदीना से फिलिस्तीन का सफर काफी लंबा था और उन लोगों के पास ऊंट एक ही था, इसीलिए वो दोनों बारी बारी से सफर कर रहे थे। उस देर हजरत उमर ऊंट पर बैठते और उनका गुलाम ऊंट की लगाम पकड़ कर आगे आगे पैदल चलता रहता। जब थोड़ा रास्ता तय हो जाता तो हजरत उमर ऊंट से नीचे उतरते और अपने गुलाम को ऊंट पर बैठा लेते और ऊंट की लगाम अपने हाथ में लेकर ऊंट के आगे आगे पैदल पैदल चलते रहते। मदीना से लेकर फिलिस्तीन तक का दोनों लोगों ने सफर इसी तरह किया। जब ये दोनों लोग फिलिस्तीन में दाखिल हुए तो उस वक्त ऊंट पर बैठने की बारी हजरत उमर की नहीं बल्कि उनके गुलाम की थी और हजरत उमर की बारी ऊंट के आगे आगे पैदल चलने की थी। लिहाजा फिलिस्तीन के लोगों ने जब इन दोनों को देखा तो फिलिस्तीन के लोग को ये महसूस हुआ कि जो ऊंट के ऊपर बैठा है वही हजरत उमर है और जो आगे आगे पैदल पैदल चल रहा है वो हजरत उमर का गुलाम है। हालांकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी और साथ ही साथ हजरत उमर की कपड़े भी ऐसे थे कि जिन पर बेशुमार पैबंद लगे हुए थे यानी जगह जगह से फटे हुए थे। लिहाजा जब फिलिस्तीन के लोगों को बताया गया कि हजरत उमर ऊंट के ऊपर नहीं बल्कि जो नीचे चल रहे हैं वो है, तो वहाँ के लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो अपने दौर की सबसे बड़ी सल्तनत का खलीफा है और वो इस तरह की जिंदगी जीता है ये यकीनन हैरान कर देने वाली थी। हजरत उमर ने वहाँ पर जाकर सुलहनामा लिखा और उन तमाम लोगों को उनकी जिंदगी की जमानत दी और बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया। लिहाजा फिलिस्तीन में रहने वाले आम लोगों ने हजरत उमर का रहन सहन का तरीका देखा, उनका अखलाक देखा, तो वो लोग उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए यानी उनसे मुतासिर हुए। बहुत से लोग ने वहाँ पर हजरत उमर को देखकर ईमान कबूल कर लिया। दोस्तों, हजरत उमर की खिलाफत का दौर जंगी कामयाबियों के साथ साथ न्याय यानी इंसाफ के लिए भी बहुत मशहूर है। आप हमेशा इस बात का खास ख्याल रखा करते थे कि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो जाए। इसके अलावा हजरत उमर ने अपनी सल्तनत के दौर में ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई और ऐसे ऐसे नए नए सिस्टम बनाए कि जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े देशों में लागू है। लेकिन अफसोस, मुसलमान खुद ही इन्हें नहीं जानते कि उन सिस्टम को पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी कौम ही थी। दोस्तों, आज के दौर में पूरी दुनिया सिकंदर को ही हिस्ट्री का सबसे बड़ा हुक्मरान यानी सबसे बड़ा सुल्तान मानती है। पूरी दुनिया का यही मानना है कि सिकंदर ही दुनिया का वो इंसान था कि जिसने सबसे बड़ा साम्राज्य कायम किया था। दोस्तों, दुनिया के लोग सिकंदर के बारे में ये दावा तो बड़ी आसानी के साथ कर देते हैं, लेकिन शायद उन लोगों ने कभी हजरत उमर की हिस्ट्री पर नजर ही नहीं दौड़ाई, क्योंकि अगर वो लोग हजरत उमर की हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते तो शायद उन्हें भी ये महसूस हो जाता कि हजरत उमर सिकंदर आजम से कई ज्यादा आगे हैं।
दोस्तों, मकदुनिया का सिकंदर 20 साल की उम्र में मकदुनिया का बादशाह बना था। 23 साल की उम्र में वो मकदुनिया से अपनी फौज लेकर दुनिया को जीतने के इरादे से निकल पड़ा था। सबसे पहले इसने पूरे यूरोप को फतह किया, उसके बाद ये तुर्की में दाखिल हुआ और तुर्की को फतह करते हुए ये ईरान पहुंचा। ईरान पहुंचकर इसने ईरान को फतह किया और उसके बाद ये शाम, जैसे आज हम सीरिया के नाम से जानते हैं, उसमें पहुँच गया। इसने सीरिया को भी फतह किया, उसके बाद यरूशलेम को फतह किया और उसके बाद मिस्र पहुंचा। मिस्र में भी इसकी फौज ने बड़ी जबरदस्त जीत हासिल की और मिस्र से ये सीधा हिंदुस्तान आया। भारत में इसने पौरस को हराया और फिर मकरान के रास्ते से वापसी का इरादा किया, लेकिन रास्ते में ही इसे टाइफाइड बुखार हो गया और उस बुखार की वजह से ही 323 ईस्वी पूर्व यानी सिर्फ 33 साल की उम्र में ही इसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, सिकंदर की पैदाइश एक शाही खानदान में हुई थी। सिकंदर का बाप भी खुद सुल्तान था। सिकंदर को बचपन से ही एक अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। दुनिया के माहिर लोगों ने उसे तीरंदाजी सिखाई थी और उसे अरस्तु जैसे लोगों की सोहबत मिली थी जो दुनिया में आज तक मशहूर है। और जब वो 20 साल का हुआ तो उसे सल्तनत पेश कर दी गई। हालांकि इसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा ऊंट बकरी जैसे जानवर चरा चरा कर बड़े हुए थे। उन्होंने तीरंदाजी या घुड़सवारी भी दुनिया के किसी माहिर इंसान से या फिर किसी एकेडमी में भी नहीं सीखी, बल्कि ये सारी चीजें उन्होंने खुद से अपने घर पर ही सीखी थी। और साथ ही साथ हमारे लिए जान लेना भी जरूरी है, वही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ऊपर की 10-15 नस्लों में भी कोई बादशाह नहीं हुआ था। दोस्तों, अगर बात की जाए मुकाबले की, तो सिकंदर ने जहां 10 सालों में एक ऐसी आर्मी के साथ जो पहले से ही बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग पाई हुई थी, 1.7 मिलियन सेक्वेयर मील का इलाका फतह किया था, वहीं दूसरी तरफ हजरत उमर ने सिर्फ 10 साल के अंदर एक ऐसी आर्मी के साथ की जिस आर्मी ने कभी भी ट्रेनिंग नहीं पाई थी, 2.2 मिलियन स्क्वायर मील का इलाका फतह किया था। यानी दोनों का टाइम तो एक ही है, यानी 10 साल है, लेकिन अगर जमीनी इलाके को देखा जाए तो हजरत उमर का सिकंदर से कहीं ज्यादा है। वही उसकी आर्मी में सब जबरदस्त ट्रेनिंग पाए हुए लोग थे, जबकि हजरत उमर की अगर आर्मी की बात की जाए तो वो तो मक्का और मदीना के आम लोग से मिलकर बनाई हुई एक आर्मी थी, जिसमें बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे। दोस्तों, इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि हम लोगों को सिकंदर के बारे में जो भी नजरिया दिया गया है वो यकीनन गलत है। दोस्तों, भले ही सिकंदर ने जमीन पर एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया को कोई ऐसा निजाम यानी कोई ऐसा सिस्टम नहीं दे सका कि जिस सिस्टम के जरिए से उस सल्तनत को चलाया जा सके। और यही बड़ी वजह रही कि उसके मरने के सिर्फ 4-5 साल बाद ही उसकी पूरी सल्तनत टुकड़ों में बंटकर खत्म हो गई थी। लेकिन हजरत उमर ने 10 सालों में एक बड़ी सल्तनत कायम करने के साथ साथ दुनिया को पूरी सुल्तान चलाने के एक ऐसे निजाम यानी सिस्टम दिए कि जिन सिस्टम के जरिए से मुस्लिम सल्तनत ने तो सैकड़ों सालों तक आबाद रही ही, साथ ही में जब सल्तनत का दौर खत्म हुआ और डेमोक्रेसी का दौर शुरू हुआ तो हजरत उमर की उन सारी पॉलिसीज और सिस्टम को डेमोक्रेसी वाले देशों ने भी अपने अंदर लागू कर लिया और आज भी वो सारे सिस्टम पूरी दुनिया में लागू है। दोस्तों, आज के दौर में मैं आप देखते होंगे कि ज्यादातर देशों में बहुत सारी स्टेट होती है, जैसे कि हमारे देश इंडिया में बहुत सारी स्टेट है और उन सारी स्टेटों के अलग अलग CM यानी चीफ मिनिस्टर होते हैं और वो सारे चीफ मिनिस्टर अपनी अपनी स्टेट के कामकाजों को संभालते हैं। देश का सिर्फ एक प्रधानमंत्री होता है और देश के सारे स्टेट के CM उस प्रधानमंत्री के अंडर में ही काम करते हैं। तो किसी भी सल्तनत या फिर देश को अलग अलग स्टेट में सिर्फ इसीलिए डिवाइड किया जाता है ताकि उसको चलाने में आसानी हो सके, क्योंकि अगर स्टेट नहीं होगी और हर स्टेट के अलग अलग CM नहीं होंगे तो एक ही इंसान पूरे देश या फिर पूरी सल्तनत को आसानी के साथ नहीं चला सकता है। लेकिन जब हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो बड़ी आसानी के साथ पूरे देश या फिर जो पूरी सल्तनत होती है उसे संभाला जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस सिस्टम को इस दुनिया से सबसे पहले किसने बनाया था? जरूर आपने नहीं सोचा होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये सिस्टम सबसे पहले हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ही बनाया था। उन्होंने
ने देखा कि जब उनकी पूरी सल्तनत बहुत बड़ी होती जा रही थी और उसका निजाम संभालना एक इंसान के लिए मुश्किल होता जा रहा था, तो उन्होंने अपनी पूरी बड़ी सल्तनत को अलग अलग सूबों में डिवाइड कर दिया था और उन सूबों के अलग अलग गवर्नर बना दिए थे। और वो सारे गवर्नर एक खलीफा यानी हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हा के अंडर में काम किया करते थे। हजरत उमर की ये पॉलिसी दुनिया को इतनी ज्यादा पसंद आई कि आज तक पूरी दुनिया में हर सल्तनत और हर देश में ये सिस्टम लागू किया जाता है। इतना ही नहीं, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हों ने अपने दौर में फौजियों की छावनी बनाई थी जो हजरत उमर से पहले नहीं हुआ करती थी। आज के दौर में दुनिया में जो जेल का सिस्टम है वो भी हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हों ने ही दिया था। अदालत के अंदर आज जो मुकदमे चलाए जाते हैं लंबे चौड़े, उन तमाम का जो प्रोसेस होता है वो भी हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हों के बनाए हुए तमाम सिस्टम में से एक सिस्टम था। दोस्तों, पुलिस सिस्टम भले ही हजरत उमर से भी पहले से हुआ करता था, लेकिन जो आज के दौर में पुलिस थाने हैं उनका तसव्वुर हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हों के दौर में ही शुरू किया गया था। हालांकि इसकी तारीख को उस वक्त से जोड़ा जाता है जब अल्लाह के आखिरी नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में हिजरत की थी। हजरत उमर ने एक ऐसा सिस्टम तैयार करवाया था कि जब भी किसी इंसान को कोई सरकारी ओहदा दिया जाता है तो पहले ही उसकी प्रॉपर्टी लिखित में चेक कर ली जाती है और फिर बाद में बीच में उसकी प्रॉपर्टी को चेक किया जाता रहता था। जैसे ही किसी इंसान की प्रॉपर्टी हद से ज्यादा बड़ी हुई महसूस हुआ करती थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी ताकि कोई भी इंसान कमजोर और मजबूर लोगों से रिश्वत ना ले सके। हजरत उमर जो भी कपड़े पहना करते थे उनमें से कोई भी ऐसा कपड़ा हजरत उमर के पास मौजूद नहीं था जो फटा हुआ ना हो या फिर जिस पर पैबंद लगे हुए ना हो। आपके हर कपड़े पर बेशुमार पैबंद लगे हुआ करते थे। हजरत उमर दुनिया के पहले ऐसे खलीफा थे जो ये कहा करते थे कि अगर मेरी सल्तनत में कोई कुत्ता भी भूख से मर जाए तो कयामत के दिन उमर को उस कुत्ते के मर जाने का भी हिसाब देना होगा। हैरानी की बात यह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो 10 साल दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के खलीफा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप इंतकाल हुए तो आपके ऊपर कर्ज था, लिहाजा आपकी वसीयत के मुताबिक आपके जो पुराना घर था उसको बेचकर आपका कर्ज अदा किया गया था। दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।